कैंट थाना क्षेत्र के कमिश्नर आवास के पास बुधवार की रात को आपसी विवाद में मनबड़ों ने गोली चला दी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जिसमें युवक संदीप चौहान के पेट में गोली लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सरेराह गोली चलने की सूचना पर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने स्थानीय पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर एसएसपी शलभ माथुर सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पहलवान सिंह के बेटे सूरज सिंह, विशाल सहित उनके साथियों पर रंगदारी नहीं दिए जाने पर गोली चलाने का आरोप लगा है। इस संबंध में कैंट थाने में संगीन धाराओं में सूरज, विशाल सिंह, अनिल शर्मा, राहुल शर्मा, प्रिंस सहित 6 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि पैसे के विवाद को लेकर आपस में गोली चली है। दोनों पक्ष एक दूसरे के परिचित हैं। इस संबंध में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एसएसपी ने कहा। नाम सबका याद है, हम बता रहे हैं सबका नाम। राहुल सिंह, सूरज सिंह, राहुल उसका एक्सरे कराना है। एक्सरे कराना बैको बैको अमन बैठो, जहाँ जाना है किस गाड़ी में बैठना संजय रमन। हाँ वहाँ बच्चे के डॉक्टर नहीं लगा पाए। कम से कम 9 लोग आए, 9 की 10 हम कपड़ा पोर गोली चलाने लगे, जिसमें अब इसकी संख्या हम नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, और जिसमें कपड़ा पोर गोली चलाने लगे, जिससे जान बचा के भागते हुए हम लोगों को 5 लोगों को गोली लगी। अगर आगे अब आप ही लोगों मालिक हो, आप ही लोग जो करोगे वैसी से हम लोग को नहीं। एक सूर्यप्रकाश सिंह है जिनको पैर और कमर में गोली लगी है, एक संदीप चौहान है जिनको पेट में और कमर में गोली लगी है, एक शुभम सिंह है जिनको पैर घुटने पे और जांघ पे और पेट में 3 जगह गोली लगी है, जिसमें और एक रमेश कन्नौजिया है, हाँ, जिनको भी पैर और कमर में गोली लगी है। रमन, अब क्या करते हैं, क्या वजह है कि पैसा मांगा जा रहा था, किस वजह से? हम एक अस्पताल चलाते हैं छोटा सा, हाँ, उसमें हमारे डॉक्टर उनका सारा रजिस्ट्रेशन सब कुछ है। मैं वहाँ पे दवा का काम करता हूँ कि जैसे मरीजों को दवा मैं देता हूँ,
बस इसी को लेके क्या बात है, क्या वजह, अभी तक मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। इतनी छोटी बात के लिए इतने, मतलब जैसे 2-4 हज़ार कमाने वाले आदमी से इतना रंगदारी मांगना भी गलत है। हाँ, अगर मैं उस लायक रहता तो मुझको समझ में आता कि हमसे रंगदारी आप मांग रहे हो तो ठीक है, मैं 1 करोड़ महीना कमा रहा हूँ, मैं मुश्किल से 20-25 हज़ार महीना कमा ले रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत। तो कौन रंगदारी मांग रहा था? सूरज सिंह और प्रिंस अगम। अच्छा रमणी, घटनास्थल कौन सी थी और तय का नाम क्या है? ये बेटी आता के अंदर ये प्रकाश में आया था कि दो पक्षों के बीच में जो है विवाद था और एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई। एक पक्ष का ये कहना है कि ये परिचित लोग हैं, उन्हीं के जानकार लोग हैं जिनके द्वारा सुबह जो है इनसे फ़ोन पे धमकी दी गई और पैसे की डिमांड की, जो इनका कहना है। दोनों एक दूसरे के परिचित हैं, दोनों ने किसी भी पक्ष ने थाने पर कोई सूचना नहीं दी। उसके बाद कल रात में जो है ये घटना हुई जहाँ पर एक पक्ष द्वारा फायरिंग करी गई। फायरिंग में जो है कुछ लोग इंजर्ड हुए, सभी की कंडीशन स्टेबल है, सामान्य है। जो जो पक्ष को गोली लगी है उनके द्वारा तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। उन्होंने इस घटना के अंदर 6 लोगों को नेम्ड किया है। तब से हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और होपफुली जो नेम्ड अक्यूज़ हैं उनको शीघ्र हम लोग गिरफ्तार करेंगे और किस कारण से झगड़ा हुआ था, क्या चीज़ें थी, उसका भी उसी के अंदर खुलासा होगा।